तो हम अभिषेक शर्मा एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें आज अपन बात करेंगे कि एसईओ कितने प्रकार के होते हैं और एसईओ करने के लिए क्या 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 अपन काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और एसईओ के क्या बेनिफिट्स थे वो अपन ने कल बात करी थी, और एसईओ एक्चुअली होता क्या उसके बारे में अपन ने कल बात करी थी। तो आज देख आप देख रहे थे यूनी अकेडमी यूट्यूब चैनल, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सो गाइज पहले अपन बात करते हैं कितने प्रकार के एसईओ होते हैं। गाइज मुख्य रूप से तीन प्रकार के एसईओ होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होता है कि लोकल एसईओ के बारे में बात करते हैं। लोकल एसईओ एक ऐसा होता है कि अपनी कोई फिजिकली अपनी कोई शॉप है जो अपने यहाँ कहीं मतलब दिल्ली में है, और उसका अपने को प्रॉपर एड्रेस डालना है कि यदि कोई कस्टमर अपना क्लाइंट अपने को सर्च करे तो उस पर जाके आप अपने इजीली रूप से वो आपकी डायरेक्शन वगैरह और आपकी लोकेशन देख के आपकी शॉप को विजिट कर सकता है। तो इसके लिए लोकल एसईओ किया जाता है, और इसके बेनिफिट ये होते हैं कि आपको कोई इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है या किसी से काम नहीं करवाना पड़ता, बस आप कुछ मिनट लग के आप इसमें अपना खुद रजिस्टर कर सकते हैं गूगल पर जाके, माई बिजनेस गूगल करके उस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपके मैं सामने दिखाता हूँ कि कोई ये है गूगल माई बिजनेस ड्राइव कस्टमर। सो आप इस पे जाके आराम से यहाँ पे मैंने साइन इन कर लीजिए, फिर उसके बाद कैसे क्या डिटेल्स फिल करनी है और कैसे क्या आपने वो काम करना है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप जैसे डायरेक्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन और मैसेज और वेबसाइट, यदि आपसे आपने वेबसाइट बनाई हुई तो उसके भी आप अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्शन वगैरह आप प्रॉपर जो एड्रेस डालेंगे उस आपकी डायरेक्शन वगैरह प्रोवाइड करवा देगा आपका ये। तो उसके बाद हम अपन बात करते हैं ऑन पेज एसईओ क्या होता है। तो गाइस ऑन पेज एसईओ ना एक अच्छा रोल निभाता है, अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस बनाते हैं जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था मेटा कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डालने पड़ते हैं, और कुछ कुछ चीज़ जो अपनी वेबसाइट में अपन कंटेंट लिख रहे हैं उसमें अपने कीवर्ड्स को यूज करके अपन कैसे अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक रिसर्च बढ़ा सकते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। सो आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन लगभग पब्लिक 10% के अलावा बाकी 90% लोग है ना जो टॉप पे चल रही है, जो टॉप रैंकिंग कर रही है उसी वेबसाइट को या उसी वीडियो को क्लिक करके देखना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं लोग और उसको सबसे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं या ऑफिस पेज पे आ रही है इसकी वजह से। तो गाइस कहाँ कहाँ पेजेस में एडिट कर सकते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। तो कंट्रोल यू करके आप अपने इंस्पेक्ट ओपन कर सकते हैं, उसमें आप मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या एडिट करते हैं। सो आप देख पा रहे हैं कि मेटा प्रॉपर्टी के लिए होता है, ओपन ग्राफ टैग जो फेसबुक के लिए होता है, ओजी टाइप या आपकी वेबसाइट है कंटेंट वेबसाइट है तो ओजी टाइप आप ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई वेबसाइट कोई फेसबुक है या वेबसाइट फेसबुक आईडी है तो उसमें आप जाके ओजी टैग डाल सकते हैं, आप उसकी आईडी ओजी टैग में डाल सकते हैं गाइज। तो इसमें और मेटा नेम ट्विटर कार्ड, ये ट्विटर के लिए कार्ड होता है गाइज, इसमें आप एडिट कर सकते हैं जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जो भी वेबसाइट पे फोटो है वगैरह आप क्या है कंटेंट क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इंडिया, आप ऐसे कुछ जिसमें कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं जो अभी रन कर रहे हैं, और कुछ कीवर्ड्स आपको देखने में मिलेंगे। मैंने बताया था आपको हाउ टू वी इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स, तो इसके लिए अपन एक मतलब प्रॉपरली स्पीच तैयार कर रहे हैं या अपन उस पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें बीच बीच में अपने को कॉन्टेंट में अपने को कीवर्ड्स यूज करने हैं, तो कीवर्ड्स यूज करने से क्या ज़्यादा कीवर्ड्स यूज ऐसा ही करने की वो इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड होने चाहिए टॉपिक्स है, तो इससे अपना रिसर्च और इंडेक्सिंग और क्रोलिंग बढ़ जाती है, क्रोलिंग बढ़ जाएगी तो इंडेक्सिंग हो जाएगी अपने कंटेंट की। तो इसलिए ऑन पेज एसईओ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और इसको ऑन पेज एसईओ करने के लिए बस ये अपने को अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस बनाने पड़ते हैं, मेटा कीवर्ड्स मेटा रिलेटेड तो उसमें आप डाल सकते हैं। तो अपन अब बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। गाइस अपनी वेबसाइट को अपन दूसरी वेबसाइट पे कैसे उसमें बैकलिंक कर सकते हैं कि अपनी कोई दूसरा अपनी उसकी वेबसाइट पे क्लिक करे तो अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाए, जिससे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपनी बैकलिंक कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की वेबसाइट पे आप बैकलिंक कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में, इंटरनल बैकलिंकिंग भी कह सकते हैं और आउट बैकलिंकिंग भी कर। तो दो टाइप्स की बैकलिंक होती है, इंटरनल और आउट बैकलिंक, तो आप उनको इजीली बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो मैंने उस वेबसाइट पे मेरी बैकलिंकिंग मेरी वेबसाइट की बैकलिंकिंग करी हुई है, जो प्लर करके एक वेबसाइट है जिसपे मैं बैकलिंकिंग का काम करता हूँ मेरा। सो मैंने गाइस यहाँ पे देखो आपके सामने ये ओपन हो गया था, आपको इस पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट डाल के आप
जिस टाइप से भी आप पैकिंग करना चाहते हो उस पे जाके और प्लग पैक कर सकते हैं। जब ऑफ पेज अपना आएगा तब मैं आपको ऑफ पेज के बारे में पूरा बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट पे अपन काम कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए अपने को काम, उसके बारे में बता दे। क्योंकि अपनी वेबसाइट को अपने ज़्यादा ट्रैफिक लाना हो है और अपनी वेबसाइट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक रीच करवानी है और अपने को क्लाइंट बनाना है, तो इसके लिए आपको ऑफ पेज भी करना जरूरी है, ऑन पेज भी करना जरूरी है। तो थैंक यू गाइज, आज का वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सपोर्ट करो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।